आज इस वीडियो के जरिए मैं उन सभी लोगों को प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारा सत्याग्रह का कल 25 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली में धरना है 12 से 5 बजे का, जो कि हम पूरी पीछे 15 दिन का ही धरना हर जगह परमिशन लेकर करते आ रहे हैं शांतिप्रिय तरीके से, और कल दिल्ली में भी शांतिप्रिय तरीके से परमिशन लेकर ही कर रहे हैं। तो जो लोग बैठे हैं घरों में, जो चाहते हैं तो वो जरूर पहुंचे। पहला पॉइंट इसके लिए ये मेरा नंबर है 8290-35-45-13, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। मैं बिजी रहूंगा तो ये 5 नंबर है ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि हम कहाँ कैसे आएंगे। दूसरा, आगे मैं सारी चीजें बताने से पहले कह रहा हूं कि कुछ एक अफसर अब अपना ज्ञान बेल रहे हैं, वो बन रहे हैं देशभक्त, बन रहे हैं कि ये स्कीम जवानों के लिए ठीक है, गुमराह कर रहे हैं कि रविंद्र फौजी तो हमेशा अफसर और जवानों का डिफरेंट करता है, लड़ाई लड़ाने की कोशिश करता है। तो यहाँ मैं चीज़ कहता हूँ, मैंने हमेशा से ही जो अच्छे अधिकारी हैं उनको सल्यूट किया है, जय हिंद, लेकिन जो गलत हैं, जो अपने आप को काले अंग्रेज समझते हैं, रविंद्र फौजी उनके उनके पीछे पड़ा हुआ है, आगे भी पड़ा रहूँगा। जो जवान से निजी घरेलू काम कराते हैं, जो सहायक प्रथा में जवान को लगाना चाहते हैं, रविंद्र फौजी उनके खिलाफ है। मेरे परिवार से, मेरे आसपास से मेजर जनरल जनरल तक के पद पर रिटायर्ड भी हो चुके हैं और अभी भी बैठे हैं, और अभी भी बहुत से अच्छे अधिकारी जो हमारा साथ देते हैं, जो नहीं चाहते कि ये हो, और जो अग्निपथ की बढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो जवान हो, चाहे जेसी हो, चाहे अफसर हो। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि अफसर के लिए SSB है, उनके लिए भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। यहाँ अगर हमारे लिए भी ऐसा होता कि जिसको अग्निपथ में जाना है अग्निपथ में जाए, और जिसको परमानेंट सेना में जाना चाहे और परमानेंट में जाए, तो हम भी इसको खुशी खुशी स्वीकार करते, लेकिन यहां हमारी एंट्री सिर्फ अग्निपथ से कर दी गई। यहां मैं अपने देशवासियों को कहना चाहता हूं, देशवासियों जो आप कहते हो कि हमारे नेतागण कहते हैं कि जवानों की पेंशन देश पर भार है और ये पेंशन बजट कम करना चाहते हैं, आपको बता दूं कि जितने भी देश हैं सबका रक्षा बजट हमेशा ज्यादा होता है और सभी देश अपने जवानों को पेंशन दे रहे हैं, और जिन जिन देशों ने ये स्कीम लॉन्च की, अपने जवानों की पेंशन उन्हें बोझ लगा, उन देशों का क्या हाल है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब स्वयं अपने चारों तरफ देख लेना, हमारा ये देश दुश्मनों से घिरा हुआ देश है, और जवानों का मनोबल टूटेगा तो भविष्य में क्या हाल होंगे ये शायद मेरे से ज्यादा आप स्वयं जानोगे अगर चारों तरफ देखोगे। तो फिर भी कहता हूं, जिन भी अधिकारियों ने, चाहे वो सेना के जनरल कर्नल हो या IAS IPS अधिकारी हो, जिन्होंने मोदी जी को बरगला कर स्कीम लाई है, वो सबसे पहले बजट कम करने के लिए अपने खुद के ऊपर क्यों नहीं आजमाते? अगर हमें जवान यंग चाहिए तो अफसर भी यंग चाहिए, 4 साल की सर्विस उनके ऊपर भी लागू हो, IPS IAS या जो भी जनरल कर्नल, उन सबकी सर्विस भी 4 साल हो और वो खुद की पेंशन भी त्याग दें, और ये नेता ये भी अपनी पेंशन त्यागे और 4 साल का स्कीम लागू करें। मैं एक जवान हूं, अगर ये सब लोग तैयार हैं तो सबसे पहले मैं अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले इनसे पूछे क्या ये तैयार हैं देशहित के लिए, इस बात पर जरूर गौर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि आपको इंतजार था कि हमारा अग्निपथ योजना में बदलाव को लेकर एक सत्याग्रह विशाल यात्रा जो हमने जयपुर से शुरू की थी, इसका कल अंतिम दिन 25 अगस्त 12 बजे से 5 बजे जंतर मंतर में होगा। जैसा कि आपको पता है, अब तक 14 दिन की ये यात्रा हम शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल जयपुर से जो भी हमारे शहर आ रहे हैं उनमें धरना देते हुए, ज्ञापन देते हुए, कल इसका अंतिम छोर दिल्ली होगा। अभी तक लग रहा था कि दिल्ली प्रशासन या दिल्ली में हमें जगह देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन लगातार 2 दिन से खुद दिल्ली प्रशासन ने कॉल करके कहा कि ठीक है, जैसा कि आप शांतिप्रिय धरना करते आ रहे हो और शांति से आप अपनी बात रखना चाहते हो तो आ जाओ और सरकार से आप अपनी डिमांड रखो। हमारे को परमिशन दे दी है उन्होंने, हमारा धरना बिल्कुल शांतिप्रिय होगा। मैंने वहां बताया है कि इसमें ना तो कोई राजनीतिक आदमी है, ना कोई सेलिब्रिटी है, सिर्फ और सिर्फ वो पीड़ित बच्चे हैं जिनका कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियां
कैंसिल करी गई हैं, चाहे वो एयरफोर्स ज्वाइनिंग का हो, चाहे आर्मी एग्जाम का हो, चाहे उम्र सीमा में छूट को लेकर हो, या वो बच्चे जिन पे मुकदमे हैं। पांच मांग है, मैं एक बार और आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि जंतर मंतर 25 अगस्त 12 बजे से 5 बजे तक हमारे पास परमिशन है, शांतिपूर्ण तरीके से हम वहां बैठेंगे और सरकार से, मोदी जी से हम गुहार लगाएंगे कि हमें ये हमारी मांगे पूरी करो। एक मैसेज भी आया है कि हो सकता है आज या फिर कल वहीं से प्रधानमंत्री ऑफिस में जाकर हमारी किसी भी वहां के अधिकारी या नेता से बात होकर सरकार इन मांगों पर सहमति जता सकती है। ये अभी तक कुछ अंदरूनी पॉइंट हमारे पास आए हैं और जैसे भी आ जाएगा क्लियर मैं आपको कर दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वहां पहुंचे और आप ये खुद निर्णय लें कि इनके अलावा भी अगर किसी की कोई मांग है, मैं भी बता दूंगा क्या क्या मांगे हैं, उसके अलावा कोई मांग है या हमारा आगे का क्या प्लान रहेगा, वो वहीं बैठकर डिस्कस होगा। यहाँ सबसे पहले मैं मेरा ये नंबर दे रहा हूँ 82 90 35 45 13। धरने की कोई भी जानकारी आप इस नंबर से मेरे से ले सकते हो। इसके अलावा क्योंकि मैं हो सकता है बिजी रहूँगा धरने में व्यवस्थाओं को लेकर या और किसी काम को लेकर, तो इसके अलावा ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाँच नंबर हैं जिसको कहीं भी धरने की कोई भी सूचना लेनी हो, क्या हो रहा है आगे, तो इस नंबरों से ले सकते हो। याद रखना इस धरने में मैं फिर कह रहा हूं कि वो बच्चे जो पीड़ित हैं, उनके गार्जियन या वो देश के नागरिक जिनको लगता है कि हाँ अग्निपथ योजना में बदलाव होना चाहिए और ये अग्निपथ योजना जवानों और नौजवानों के लिए ठीक नहीं है, देश हित में इन चीजों को सोचने वाले लोग मैं चाहता हूं कि धरने में शामिल हों। शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना हम अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के नाम हम ज्ञापन देंगे, वहां वार्ता होगी। अगर हमारी इन मांगों पर सहमति होती है, हम वहां जो कल का धरना ऐसे कैसे वहां करके मांगे सौंप कर उनको एक अल्टीमेट दे देंगे, जो भी वहां टीम तय करेगी कि 15 दिन 20 दिन जो भी टाइम देना है कि उस टाइम तक हमारी मांगों पर विचार करें, अन्यथा फिर देश के हर एक हिस्सों से आए हुए जवान नौजवान सैनिक पूर्व सैनिक जो भी आना चाहें, जिनको लगता है कि योजना है, वो अगली तारीख जो वहां बैठकर तय करी गई जाएगी अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो। बाकी आपको पता है कि कल ही 25 तारीख को ही कोर्ट का निर्णय भी है, तो वो हम संख्या से दिखाना चाहते हैं कि ये वंचित बच्चे हैं जो न्याय की गुहार कोर्ट से भी लगा रहे हैं। अगर कोर्ट हमारे हक में आता है तो बहुत अच्छी बात है, वहीं खुशी सेलिब्रेट करके और धरने को हम समाप्त कर देंगे। जो भी आगे की निर्णय होगी, जो भी रणनीति होगी, वहीं बैठकर बनाई जाएगी। मैं फिर कहता हूं कि जो भी लोग आ रहे हैं अपने घर से चलने तक, दिल्ली तक पहुंचने तक और दिल्ली से वापस अपने घर जाने तक, किसी भी प्रकार की कोई भी, चाहे वो सरकारी संपत्ति चाहे किसी की निजी संपत्ति, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई भी गलत नारेबाजी आंदोलन के दौरान आने जाने के दौरान नहीं करेगा, क्योंकि कुछ एक शरारती तत्व होते हैं, हो सकता है हमारे बीच में कोई एजेंट मिलकर वो धरने को गुमराह करे, उधर उधर की बातें करें, नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ ये अग्निपथ में बदलाव के लिए धरना है। जो हमारी मांगे हैं मैं एक बार और फिर बता दूं, पहली एयरफोर्स का जो ज्वाइनिंग है, जो बच्चे कंप्लीट प्रोसेस करके बैठे हैं उनकी ज्वाइनिंग दी जाए और एक एयरफोर्स का रुका हुआ रिजल्ट, उसका परिणाम जो अभी तक नहीं दिया जाए, ये है एयरफोर्स को लेकर। दूसरी हमारी मांग है आर्मी एग्जाम, जो कि मेडिकल और फिजिकल फिट कैंडिडेट जो 1 साल से 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे आर्मी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनका लिखित परीक्षा कराई जाए। तीसरा जो उम्र सीमा में छूट सरकार ने दी है 2 साल की, वो सिर्फ जनरल ड्यूटी के लिए दी है, हम चाहते हैं कि वो जनरल ड्यूटी के साथ जो पहले ही 23 होती थी ट्रेडमैन, वो हमारे चाहे ट्रेडमैन कलरक टेक्नीशियन या नर्सिंग असिस्टेंट ऐसी कुछ भर्तियां जो कि पहले 23 होती थी उनको 25 किया जाए, ये हमारी तीसरी मांग है। इसी के साथ जैसे कुछ एक नर्सिंग की CMP की बच्चियों की RTGSU की ऐसी भर्तियां हैं जो सरकार ने बिना TOD के तहत जिनको रद्द किया है, वो तो जो एग्जाम में ही शामिल है, हालांकि हम अलग से भी दर्शा देंगे कि जो
भर्तियां टीओडी में भी नहीं है, उनको भी कैंसिल किया है, तो उसका भी सरकार जवाब दे। चौथी हमारी जो मांग है कि 4 साल की सर्विस को बढ़ाया जाए, क्योंकि 4 साल में जो सरकार बजट कम करना चाहती है, 75% को विदाउट पेंशन बाहर करना चाहती है, तो उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ अगर ये योजना गलत है, अब बजट ही कम करना है, तो पहले अधिकारियों का, नेता खुद अपना स्वयं का पेंशन बंद करे और खुद के लिए भी 4 साल का स्कीम लागू करें। अगर ऐसा होता है तो मैं एक जवान होने के नाते मैं भी अपनी पेंशन को त्याग सकता हूँ, मैं भी अपनी किसी भी तरह कुछ भी करूँ लेकिन पेंशन त्याग दूंगा सबसे पहले, अगर सारे नेता और अधिकारी अगर इससे राजी हों तो, और जिन अधिकारियों ने ये योजना बनाई है उनके ऊपर भी ये लागू हो। उसके अलावा पांचवी मांग हमारी, जो भी ये बच्चों पर मुकदमे हुए हैं, जिन्होंने भी बच्चों ने पहले गलती से जो चीज़ें की हैं नहीं करना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं है और ना ही करनी चाहिए, ये हमारी ही संपत्ति और हम अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुँचाए ये गलत है, लेकिन उनसे गलती हुई है तो उन्हें एक मौका दिया जाए ताकि वो देश की प्रगति में भागीदारी निभाए, ना कि वो गलत रास्ते पर जाए, जैसे एक तेलंगाना में भी एक बच्चे ने मुकदमे के डर से सुसाइड कर लिया, 65 बच्चों ने पहले भी इस शौक से सुसाइड किया, तो ऐसी चीज़ें ना पैदा हों, पूरे देश की राह प्रगति की राह में सम्मिलित हों, तो वो मुकदमे उन पर वापिस हों। ये हमारी मोटी मोटी 5 मांग है। इस विषय को लेकर जैसे मैंने चौथी मांग बताई थी, हमारे अधिकारीगण कुछ कह रहे हैं कि भाई मैं उसका भी थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। कल मैंने सुना था किसी अधिकारी के उससे कि वो कहते हैं कि भाई रविंद्र फौजी तो पहले ही अफसर और जवानों के लिए वो करता है। हाँ, मैं हमेशा पहले पिछले 5 सालों से रिटायर्ड होकर अपने जवान भाइयों की मांग उठा रहा हूँ इसी चैनल रविंद्र फौजी XR RTF के जरिए, और वो मांगे मैं फिर कहता हूँ कि मैंने आज तक ये नहीं कहा कहीं भी सेना खराब है या अधिकारी खराब है, नहीं, सेना हमारी बहुत अच्छी संस्था है और वेल एंड गुड, बहुत अच्छी सर्विस भी है, देशभक्ति भी है और एक रोजगार भी है। मैंने उन अधिकारियों को गलत बताया है जो अधिकारी जवान के ऊपर धौंस जमाते हैं, जो आज भी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, जो जवान को दूध का डोलू पकड़ाते हैं, अपना पर्सनल जा मेरा दूध लेकर आ जा, अपने रसोई में काम करवाते हैं, मैडम बच्चों के कपड़े तक धुलवाते हैं, साफ सफाई, अपनी पर्सनल गाड़ियां, यानी जो पर्सनल काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों को पहले भी आज भी मैं मानता हूं कि वो देश के सबसे बड़े कर्तार हैं, जो अगर एक जवान जो भारत सरकार की पेमेंट ले रहा है और उससे निजी काम करा रहा है, उन गद्दारों को, उन काले अंग्रेजों को आज भी रविंद्र फौजी बैक पिछवाड़े में लात मारने की हिम्मत रखता है और मारता रहूंगा जब तक यह सहायक प्रथा खत्म नहीं होगी। तो ऐसे कुछ गलत लोग, गलत अधिकारी, हमेशा बोलता हूं कि वो एक, मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़े देश के दुश्मन हैं और हमेशा उसके चीज के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। फिर कह रहा हूं कि मेरे परिवार से भी, मेरे आसपास के बहुत से लोग सेना में जनरल पद तक बैठे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पद तक, और उनको हमेशा रविंद्र फौजी अच्छे लोगों को, चाहे मेरे परिवार से हैं, किसी से भी हैं, सल्यूट करता हूँ, चाहे अफसर हैं, चाहे जैसे हैं, चाहे जवान हैं, जो अच्छे हैं और जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, चाहे वो सहायक प्रथा हो, चाहे अपने उन पर तानाशाही करना हो, यानी पर्सनल काम और पर्सनल दुश्मनी जो निकाल रहे हैं उनके लिए हमेशा लड़ता हूँ, उन कुत्तों को कहता हूँ कि रविंद्र फौजी हमेशा आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा जब तक जिएगा। जिनको गलत लगता है तो डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है। इसलिए बकवासबाजी जो कह रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि सर ये तो अफसर के लिए भी है, SSB कमीशन है, अफसर के लिए SSB कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन है, लेकिन परमानेंट NDA भी है, उनकी पहली चॉइस NDA होती है, जब वहाँ से वो नहीं हो पाते हैं तो उनको या खुद की इच्छा समझो SSB में जाते हैं, SSB भी 10 साल कर दी गई है, हमारे लिए भी ऑप्शन होना चाहिए, जो परमानेंट जाना चाहता है उसके लिए परमानेंट हो, जो शॉर्ट सर्विस अग्निपथ में जाना चाहता है, जिनको अग्निपथ अच्छी लग रही वो अग्निपथ में जाए, लेकिन हमारी विकल्प भी खत्म कर दी, लड़ाई हमारी ये है। अगर ये किसी अफसर के समझ में आ गई हो, दिमाग में जो कीड़ा काट रहा हो कि हमने जवानों के 4 शब्द बोल के अगर जवानों के हित में सोच रहे हो, तो वो जवान आपको खुद समझाएंगे कि रविंद्र फौजी 5 सालों से उससे पहले से ही सीने में चीर के देखोगे ना, तो यहाँ एक एक बूंद में जवान जवान और देशभक्ति ही दिखेगी, नाटक नहीं दिखेगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर करें और कल दिल्ली जरूर पहुँचे, शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांग रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें ज़रूर हमारे हितों का जो हम मांग रख रहे हैं उनमें से ज़रूर कुछ न कुछ सरकार बदलाव करेगी, वो हमें मिल भी रहे हैं उसका अंदेशा भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।